थोड़ा आ जाओ, चिपको इस टेबल के चिपको। हाँ जी, हाँ बस अब सही है, अब बिल्कुल क्लियर साफ आएगा। अंदर थोड़ा पीछे हो गया, नहीं नहीं सही है। तोला क्या आपने? चल के लगे है तो सही, भार के हिसाब से चले तो फिर भी तोल ले। मार 150 ग्राम कम हो गया, सोने का भाव बहुत लाएंगे। सर, एक सदर पुलिस ने की सतर्कता जो है वो काम आई है, ठगी होने से लोगों को, ग्रामीणों को बचाया गया। क्या पूरा मामला था, क्या सूचना मिली थी पुलिस को? पुलिस को सूचना मिली, गालाबेरी के निवासी केसर सिंह जाट है, उन्होंने सूचना दी कि दो व्यक्ति मेरे पास आए जिन्होंने दो सोने के मोती हमको दिए जाँच करने के लिए, तथा कहा कि हमारे पास 4 किलो इसी टाइप के सोने की चैने हैं, आप इसको चेक करवा लो, सही हो तो आप मेरा वाला खरीद लेना। 4.5 लाख रुपये में 4 किलो सोना देने की बात की। उसने चेक कराया तो वो दो मोती जो असली सोने के निकले, उसके बाद उन्होंने 4 किलो ये मंगाया। तो उसने अपने दोस्तों के साथ जब बैठा था उसको, वो 4 किलो सोना देख के उन्होंने एकदम थोड़ा सा उस पर शक हुआ, कह रही है नकली तो नहीं है। इससे उनसे बातचीत करके इधर उससे वापस चेक किया तो नकली निकला। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ा और इनके पास से ये 4 किलो करीब ये सोने के मोतीनुमा चैन ये बरामद किए। तो सर, जो सोने के मोतीनुमा ये है चैन है, ये उस परिवादी को उन्होंने खरीद लिए थे या फिर इन्हीं के पास ही थे? इन्हीं के पास ही थी, ये इन्हीं को देने के लिए लाए थे, उसी दौरान हमने इनको पकड़ लिया। कहाँ से कहाँ गए हैं? आरोपी हिंदमाल और झाप हल्का जालौर के रहने वाले हैं, दोनों ही जाति से बागरी हैं और इनका यही ठगी का इसी प्रकार की वारदातें अक्सर करते हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड हम अभी प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार के ऐसे ठग जो हैं वो? आम लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हर किसी बात पर इस प्रकार के लालच में नहीं आवे और अनावश्यक किसी पर विश्वास नहीं करें। इस प्रकार के ठगी का इस समय नट बागरी या मेव जाति के जो लोग होते हैं, इसी प्रकार के नकली सोना बता के, असली सोना बता के नकली सोना बेचने की कई वारदातें अपने राजस्थान में और देश में कई जगह पर हुई है, जिनसे हमेशा सावचेत रहने की आवश्यकता।